बरसठी रामपुर थाना क्षेत्र के पचौली गांव के शिवगढ़ दलित बस्ती में दलित युवकों द्वारा देवी देवता के चित्र पर चप्पलों से मारकर अश्लील हरकत करते हुए वीडियो वायरल हो गया। वायरल होने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। तुरंत ही ये सूचना रामपुर थाना अध्यक्ष को दिया गया, लेकिन वह मामले में हिला हवाली करने लगे। ग्रामीणों ने हिंदू संगठनों को इसकी सूचना दिया। गांव में जैसे ही हिंदू संगठनों की दखलअंदाजी हुई, पुलिस भागकर दलित बस्ती में पहुंचकर एक युवक समेत दूसरे युवक के अभिभावक को गिरफ्तार कर थाने ले गई। बताया जा रहा है कि पचौली गांव के शिवगढ़ बस्ती के रामवृक्ष यादव की लड़की की शादी का कार्ड बटा हुआ था, जिसमें देवी देवताओं के चित्र पर नकाबपोश दलित युवक कृष्ण कुमार पुत्र राजकुमार अपने एक साथी युवक के साथ देवी देवताओं के चित्र पर चप्पलों से पिटाई करते हुए नजर आए। यह वीडियो वायरल होने लगा, जिसमें गांव के लोगों ने दोनों युवकों को पहचान लिया। सूचना रामपुर थाना अध्यक्ष विजय शंकर सिंह को दिया गया, लेकिन उन्होंने कार्रवाई करने से कतराने लगे, जिसके बाद गांव वालों ने हिंदी संगठन को इसकी जानकारी दी। दोपहर होते होते दर्जनों की संख्या में हिंदू संगठन के लोग गांव में पहुंच गए। उसके बाद हिंदू संगठन एवं यादव बस्ती के लोगों ने भी दलित बस्ती को घेरना शुरू कर दिया। यह खबर रामपुर थाना क्षेत्र एवं 112 नंबर PRB को भी मिला, तो थाना अध्यक्ष विजय शंकर सिंह पचौली गांव पहुंचकर हिंदू संगठन के लोगों को समझा बुझाकर मौके से कृष्ण कुमार गौतम एवं उसके सहयोगी अभिभावक को गिरफ्तार कर थाने ले गए। इस संबंध में थाना अध्यक्ष विजय शंकर सिंह ने बताया कि 3 लोगों के खिलाफ मुकदमा लिखा गया है, जबकि इस संबंध में क्षेत्राधिकारी संत प्रसाद उपाध्याय ने बताया कि मुझे इसकी कोई भी जानकारी नहीं है। मणियाहू से कपिल देव सिंह की रिपोर्ट।